धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। फैक्ट्री के एक अर्जेंट काम से मुंबई गया था, अभी लौट रहा हूँ। हाँ ओके, सुनो सर, जल्दी चलो। ओके सर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज लेकर आ जाओ। अभी आता हूँ सर। हाँ। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है सर। साहब, ओ साहब, साहब, एक गुब्बारा ले लो। चलो। साहब ले लो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है साहब, एक गुब्बारा ले लो। नहीं चाहिए, तो कुछ सुना नहीं। एक गुब्बारा ले लीजिए सर, 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 प्लीज सर। बताओ तुझे। सर, प्लीज। नहीं चाहिए, चल। गुब्बारा ले लीजिए सर। समझ नहीं आता क्या? सुबह से कुछ नहीं। नहीं चाहिए, जाओ। सर, हमें अर्जेंट वेट करने को बोलो ना। चलो। साहब, एक गुब्बारा ले। साहब, एक गुब्बारा। हट, जा यहाँ से, चल, जा, निकल यहाँ से। नॉनसेंस। सर। देर कैसे हो गई? आधे घंटे से वेट कर रहा हूं। सोनिया कैसी है? तुम कुछ अर्जेंट कह रहे थे, वो आनंद फार्मा को लेकर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम उस चीज को लेकर इतना परेशान क्यों हो। वो फाइल पिछले 3 साल से मेरे पास पड़ी है। मेरे अप्रूवल के बिना वो लोग उस दवाई को मार्केट में बेच नहीं सकेंगे। तुम बेफिक्र रहो। आ,
हाँ तो राधिका जी, आपको गवाह मिल गया क्या? मिलेगा सर, सच साबित करने में वक्त लगता है, गवाह जरूर मिलेगा। क्रिमिनल लॉयर की मार्केट में अपनी रेपुटेशन और डिमांड होती है, ऐसे फालतू के केस लेकर आप अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। आप कहो तो राज साहब से मीटिंग फिक्स करूं, बस मुझे अपना प्राइस बता दीजिए। सर क्या आपको पता है हर कोई बिकाऊ नहीं होता, मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। डिफेंस लॉयर साहब, भैंस हो तो रस्सी खरीद सकते हैं, पर रस्सी हो तो भैंस नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर आप मेरी मैडम से बकवास कर सकते हैं तो मैं आपसे नहीं कर सकता क्या? हाँ। You can start the proceedings. Your Honor, गवाह को पेश करने के नाम पे डिफेंस अब तक 5 तारीखें ले चुका है। क्या सचमुच कोई गवाह है या फिर कोई गवाह है ही नहीं इसीलिए तारीखें लेते जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मिलॉर्ड, गवाह को लाने के लिए मेरे जूनियर लॉयर रवि गए हैं, वो गवाह जरूर लेकर आएंगे। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। पंद्रह दिनों से जो गवाह पेश नहीं हो सका वो अब कैसे आएगा? मिलॉर्ड, डिफेंस गवाह को छुपाकर कोर्ट में पेश होने से रोक रहे हैं, उसका लोकेशन पता लगाने में हमें थोड़ा वक्त लग गया। अगर 15 मिनट में गवाह पेश नहीं किया गया तो मैं फैसला सुना दूंगा। है, राधिका ने तुम्हें भेजा है क्या? रविंदर, MA LLB, इतना काफी है क्या या और डिटेल चाहिए? बजने वाले हैं। वो है किधर? मैं जाकर देखता हूं, आप टेंशन मत लो। डिफेंस लॉयर साहब, खोए हुए को ढूंढ सकते हैं पर पाए हुए को नहीं। क्या मतलब? खुद भी सोचा करो, बस मतलब ही पूछते रहते हो, मतलब ही आदमी। केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से पुख्ता सबूत पेश ना करने की वजह से अदालत गवाह किधर है? अरे वही तो है। हा? तुम्हें मेरे अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है क्या? मुन्ना, सॉरी योर ऑनर, सॉरी मुन्ना। अबे इधर उधर क्या देख रहा है, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। कौन है ये? मुन्ना ना, उसकी फोटो व्हाट्सएप की थी मैंने। वो क्या है ना कि डेटा पैक खत्म हो गया, व्हाट्सएप नॉट वर्किंग। इस मोटे टकले को कहीं तो देखा है पर याद नहीं आ रहा, किधर देखा? तुम ही रविंदर हो ना? अबे कम से कम तू तो मुझे बता सकता था,
मुझे क्या पता, मुझे लगा मुझे बचाने आए हैं। अबे तो तू मेरे पीछे कोर्ट क्यों चला आया बे? आपसे कुछ पूछता तो आप मुझे धो देते, इसलिए चुप रहा। अब तो बोलेगा, तू बोलेगा, क्योंकि सारा मामला तेरे फेवर में हो चुका है। अगर आप लोगों की आपसी बातचीत खत्म हो गई हो तो मैं फैसला सुना दूं। ठीक है सर। अब ऐसे जूनियर होने से अच्छा है केस हार जाओ। प्रोसिक्यूशन द्वारा सबूत और गवाह पेश न किए जाने के कारण ये केस रद्द किया जाता है। उस वकील ने मुझसे कहा था राज सिंघानिया के खिलाफ केस मत लड़ना। तुमने कहा मैं हूँ ना, मैं गवाह लाऊंगा, और मैं केस हार गई। क्यों किया ऐसा? अब कुछ तो जवाब दो। हाँ, कॉलेज में तुम मेरे सीनियर थे और यहाँ जूनियर लॉयर की नौकरी कर रहे हो। शर्म नहीं आती क्या? इतनी सारी आती है, पर इतने पैसे में इतना ही मिलता है ना। ऊपर से पास में अपना जो रिलेशन था आप पर मेरा जो इन्फेक्शन। जाओ उधर। चलता हूँ मैडम, चलता हूँ, और कर भी कह सकता हूँ। एक तो तुम अभी तक सिंगल घूम रहे हो। ऐसा? जानते हो बात फैल रही कि हम दोनों के बीच कुछ है। सच में? पर पता क्यों? परसों वो नेताजी का आदमी मुझे धमकी दे गया कि केस लिया तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। साले ने आपको धमकाया क्या? आज वो गया, देख लो उसकी। बात वो नहीं है। तो फिर अगर मुझे धमकाना था तो मेरे पति को मारने की धमकी देते, या फिर मेरी फैमिली को मारने की धमकी देते। पर तुम्हें मारने की धमकी देने का क्या मतलब हुआ? कि मैं और तुम, उसे लगता है मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ है। अब तुम क्यों शर्मा रहे हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे मन में ना थोड़े नॉटी नॉटी ख्याल आ रहे हैं। मुझे दरअसल कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। याद नहीं अपना लव अफेयर कॉलेज के हर बच्चे की जबान पे था, याद तो है? अपना अफेयर? जब हम कॉलेज में थे तब कभी प्रपोज किया तुमने मुझे? बस हमेशा ऐसे टेढ़े टेढ़े घूरते रहते थे। इसे कैसे पता चल गया? अरे प्रपोज का चांस ही कहां दिया तुमने। मैं ठहरा स्ट्रगलिंग लॉयर और वो था सक्सेसफुल लॉयर। पैसे के चक्कर में शादी के लिए हाँ बोल दिया तुमने। ए, शादी की बात मत करो तुम, खून जलता है मेरा। मंडप पे तुमने जो ड्रामा किया था, 3 साल तक मेरे ससुराल वालों ने मुझसे बात नहीं की थी। वो कहना कि उस दिन थोड़ी सी ज्यादा पी ली थी, मुझे याद भी नहीं मैंने क्या किया उस रात। क्या उस दिन ज्यादा ही रायता फैला दिया था क्या? थोड़ा पागल है, लोकल बाबा सागल है, हो रही है शादी तेरी तो ब्रेकअप है मिला, ये दिल तुझे दे दिया बदले में तूने ये किया। इसको तो सिग्नल दिया मुझे रोड पे क्यों छोड़ दिया, मैं सिंसियर लवर हूँ ठेंगा मुझे मिला, तू मेरे आंसुओं के शावर में आके तू नहा ले रे। टूटे हुए दिल के टुकड़ों को विस्की से जोड़ने जा रहा हूं। घर में लगती तू महालक्ष्मी, गई थी इंस्टाग्राम पे सनी लियोनी, बैंड बाजा ये बज रहा तेरा और तूने बजा दिया मेरा, मार के मुझे गोली तू खेलती है स्लोली, करके झूठे वादे किसी और की तू होली, ग्रीटिंग कार्ड दिखा दे वेडिंग कार्ड थमा दे, इसमें ऐसा खास क्या मेरे प्यार को तू दगा दे,
मिला आज चांस रे बने बाराती तेरे मार्क तीन पैक रे भुला दिया फिर तुझे गली गलीज अरे ओ आजम ओए अभी से क्यों रोक दिया रे अरे देखा नहीं वो खुशी से भांगड़ा कर रही है बजाओ रे जानते हैं हर आदमी किसी ना किसी नशे में अपनी नापसंदी और तकलीफ को भुलाने की कोशिश करता है यादें अगर सब रह जाएं तो जिंदगी झंड हो जाती है झंड 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 वाह 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 वो तो मेरे हस्बैंड अच्छे आदमी हैं जो मुझे माफ कर दिया कोई और होता ना शादी होते ही डिवोर्स दे दिया होगा किसका डिवोर्स हो रहा है कह रही है आपको छोड़ के मुझसे शादी करेंगे ए तुम चुप करो और यहाँ से निकल जाओ हाँ जा रहा हूँ पता नहीं कैसे झेलते हो दो लगा कर जाओ भी हाँ जा रहा हूँ बोला ना कोई इज्जत ही नहीं है मेरी कैसे हैं आप तबीयत कैसी है आज आप थोड़ा फ्रेश लग रहे हैं मुझे पापा पापा इधर देखिए पापा आप ही से बात कर रहा हूं शांति लाइए मुझे दीजिए मैं नहीं खिलाता ये लीजिए हाँ आपकी मूंछें खराब नहीं करने वाला हूं बिल्कुल मत घबराइएगा सुबह दिखी नहीं आज दोपहर की शिफ्ट थी बेटा बगल में बैठा है उसकी कोई खबर नहीं ली है लेकिन मैडम के आदमी ने पूरा हाल जानना है कि दिन का जरा बुढ़ापे में चैन नहीं है ना सर हाँ आपके पिताजी जिसे भी देखते हैं शांति शांति कहकर बुलाने लगते हैं ये शांति कौन है आपकी माँ है अरे नहीं रहे ओ तो बेटी होंगी अरे बिल्कुल भी तो नहीं वो क्या ना इनका इलाज करने वाली एक डॉक्टर हुआ करती थी बापू का उसके साथ सॉलिड कनेक्शन बन गया था उसके बाद लाइफ में जो भी लड़की आती थी ना उसको उसी के नाम से बुलाया करते थे अरे 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 देखो कैसे लाइन दे रहे हैं देखो तो वैसे नाम क्या बताया तुमने मुन्नी सर मुन्नी इन्हीं के चक्कर में बदनाम हुई थी ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन हेड के मर्डर केस में राज सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया है लाइफ में वायलेंस बढ़ता जा रहा है और रोमांस घटता ही जा रहा है अरे कोई रोमांटिक गाना चला ना तू अरे हाँ रोमांस से मुझे याद आया कॉलेज के दिनों में आपके और मैडम के प्यार के किस्से मशहूर थे कि नहीं हाँ एकदम जबरदस्त था फिर तो जरूर किस्सी विस्सी हुई होगी क्या बोल रहा है तू ये किन क्यों रहा है 6-7-8 क्या इतनी बार कोशिश की थी बस बहुत ज्यादा हंसी आ रही है ना जिस लड़की से प्यार किया वो मिली नहीं लेकिन बाकी किसी से प्यार हुआ नहीं अब ऐसे में क्या करूं अरे बाबा कौन है लड़की बहुत बढ़िया लग रही है आप I'm Sonia. मैडम से मिलना था आप परेशान हो मैं ही सब कुछ हूँ और सर का सारा काम मैं ही देखता हूँ तो आपको जो कुछ कहना मेरे सामने कह सकती हैं राधिका मैडम से केस लेने को कहा था पर उन्होंने मना कर दिया इसलिए मैंने सोचा पर्सनली मिलकर कन्विंस करूँ तो आप रविंदर LLB LLM सीनियर मोस्ट जूनियर लॉयर वो तो बस मैं नाम का ही जूनियर हूँ योर ऑनर कह के कोर्ट में एक्शन उनका होता है डायरेक्शन मेरा होता है कभी कभी वो सेक्शंस भूल जाती हैं तो सर ही याद दिलाते हैं अच्छा आपका केस क्या है दरअसल वो मेरे फादर हैं आई एम रियली सॉरी अरे उनको ये केस लेने में कोई दिक्कत हो रही है क्या ऐसे आदमी को ना दो बार फांसी होनी चाहिए एक तो खून करने के लिए और दूसरा आसानी से पकड़े जाने के लिए जिसने भी आपके डैड को टपकाया है ना एक्सक्यूज मी मतलब जिसने भी आपके डैडी का खून किया ना उसको सजा तो मिलनी चाहिए वी आर टेकिंग अप दिस केस एक्चुअली आपको गलत फहमी हुई है जिनकी मौत हुई है वो मेरे फादर नहीं है आपका मतलब है आपके डैडी का खून नहीं हुआ उन्होंने खून किया समझो तुम्हारी शादी कैंसिल पर मेरे डैड ने वो खून नहीं किया
वो इनोसेंट है। आप राधिका मैडम से मिलकर ये केस लेने को कहिए ना, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, मेरे फादर की हेल्प कीजिए। जस्टिस चौधरी, टाइम निकालूंगा, धर्मचक्र और हिंदी कौन सी मुक्ति, हाँ अंधा कानून। आप टेंशन मत लीजिए सर, कुछ भी करके उन्हें मना लेंगे। कैसे? अरे आप केस क्यों नहीं लेती है, मेरा घर बच जाएगा ना। पर ये केस लिया तो मेरी रेपुटेशन चली जाएगी। अरे क्या बात करी मैडम, ये केस 5 साल चलेगा, तब तक हमारी शादी हो जाएगी, हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे प्यारे प्यारे से। मैडम 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 प्लीज 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 मैडम, कहा ना नहीं ले सकती, नो मीन्स नो। तो आप ये केस नहीं लेने वाली? नहीं लूंगी। ये फाइनल है ना? हाँ। तो फिर मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ, आई क्विट। थैंक यू वेरी मच। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। मैडम क्या ये? एक आखिरी सेल्फी, हमारे प्यार की निशानी, प्लीज। ठीक है। यू सो स्वीट। ये कैसे फोटो ली तुमने? हमारे प्यार के चर्चे पूरी दुनिया में होंगे, हमारे पास सबूत भी है। सोनिया जी, ओ आप तो यहाँ खड़ी, मैंने कहा था ना मान जाएंगी। वो क्या ना, मेरे समझाने पर वो केस लेने के लिए हामी भर चुकी हैं। आप टेंशन नहीं लेना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उन्हें कन्विंस करने के लिए आपने उनके पैर भी पड़े। समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मुझे देखा क्या? सीधे सीधे बताइए, क्या आप ये केस लेने वाली हैं या नहीं? नहीं लूंगी, तुमसे जो बन पड़े कर लेना। मैडम 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 मैडम, कितनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज ये केस ले लीजिए, आपको मेरे होने वाले बच्चों की केयर, प्लीज। मैडम मैडम मैडम, क्या आप मुझे मेरे शादी में, मेरा घर बसे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हो, आपकी तरह मेरा भी एक सुखी परिवार हो और मुझे घर का खाना नसीब हो सके। अरे किसने ब्लाइंड हटाया मैडम के कमरे के? सबको देखना है कि अंदर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, काम धाम नहीं है किसी को। सिर्फ देखा था या कुछ सुनाई भी दिया था? जी उतना साफ सुनाई नहीं दिया। अब फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप आराम से घर जाइए, कल से आपके केस पर काम भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? प्लीज थैंक्स। क्या आप फिर से वही? जाओ, 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 जाओ। ये क्या कर रहे हो? देखो बेचारी, खेलते खेलते होमवर्क किए बिना ही थक के सो गई, कल टीचर इसे डांटेगी, इसलिए मैं इसका होमवर्क कर रहा हूँ। देखो हैंडराइटिंग ठीक लग रही है ना? उसके दादा की हैंडराइटिंग लग रही है। दादाजी की? थक, फिर तो लेफ्ट हैंड से लिखना होगा। बिफोर कमिश्नर सर ने आपके लिए ये फाइल्स भिजवाई हैं। जाओ 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 जाओ। एक केस के सिलसिले में तुमसे बात करनी थी, तुम आज ऑफिस आ सकते हो क्या? यार मैं छुट्टी पर हूँ, एक बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। Put your best officer on the case, ऐसा गवर्नर का ऑर्डर आज ही आया है। And you are my best officer. 2 महीने में रिटायरमेंट है, किसी केस में क्यों फंसा रहे हो? जरूरी है क्या? मेरे लिए आकर एक बार केस डिटेल्स देख लो, फिर फैसला तुम्हारा। Your word will be final. ठीक है। Apple और ball तो लिख चुका हूँ, cat और dog को खत्म करके फिर फाइल को देखता हूँ। क्या सर, टाइम हो गया है, वो मैडम अभी तक नहीं आई। कैसे आएंगी, तैयार होने में टाइम लगता है। देख भाई, चाहे पप्पा जी जेल में हो या फिर आईसीयू के अंदर, मैडम निकलेंगी तो मेकअप करके ही ना। लेकिन उसके बाप के खिलाफ सबूत साफ है सर, क्या आप उसको छुड़वा पाएंगे? एक बात सच्ची सच्ची बताऊं तुझे क्या? हाँ कहो। वो जेल से बाहर ना ही आए उसमें अपनी भलाई है भाई। वो कैसे सर? प्रैक्टिकली बोलू तो बाप जो है वो तो अमीर है, बेटी है कुमारी, हम दोनों है जूनियर लॉयर और हमारा है स्ट्रगलिंग करियर। देख एक बात तो तय कि अपने हाथ तो लगने वाली है नहीं, कहीं ज्यादा 3-5 की तो अपना ही कहीं मटर ना हो जाए। तो सुन, अगर बुड्ढा मरा ना तो अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर। वैसे आप कभी कभी कुछ ज्यादा ही दूर की सोच लेते हैं। अबे दूर की नहीं सोचूंगा तो लड़की पास कैसे आएगी बे? आपको पता रही है लेडीज लिपस्टिक तब। अबे बताया क्यों ये पीछे खड़ी है बे? मैंने तो देखा ही नहीं सर। मैंने भी नहीं देखा। पर तूने ही मेरे पैर पड़ने का सीन दिखाया था ना इसको। सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अबे तुझ पे यकीन नहीं करता मुझे। चल अब यहीं रुक तू, अभी आता हूँ। बेचारी का बाप मरने वाला और इनको शादी की पड़ी है।
दोबारा फट गया, फिर क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तब अंधेरा हो चुका था। मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा था, फिर देखा तो गाड़ी शहर के बाहर खड़ी थी और मेरे कपड़ों पर खून के धब्बे थे। तभी वहां पुलिस आ गई, कह रहे थे कि मैं मर्डर करके भागा हूं, और जैसे ही मैंने अपना फोन स्विच ऑन किया वो मेरी लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच गए। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे अरेस्ट कर लिया। सुपर सर, वेरी गुड। ये तो तेरा पुलिस को दिया हुआ बयान है ना? अब असली बयान तुम हमको दो ताकि कोर्ट में जो होना है मैं उसकी तैयारी कर सकूं। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? आपने गाड़ी से उतरने को कहा था उसे, ये स्टेटमेंट आपके ड्राइवर का है। और जिस रिजॉर्ट में आपने मर्डर को अंजाम दिया वहाँ के सारे स्टाफ ने आपके खिलाफ गवाही दी है। सीसीटीवी फुटेज ले लो, उसमें भी आपका थोबड़ा साफ साफ नजर आ रहा है। और अगर आप बात कर रहे हो उस दिन के पुलिस की चेकिंग की, तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या बकवास है? देखो ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। प्लीज प्लीज बिलीव मी, आई थिंक देयर इज अ बिग कंस्पिरेसी। प्लीज कुछ कीजिए। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया सर। तेरा बाप एक नंबर का। सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पापा को बचाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सेक्शन मेरे हाथ लग गया है। वो कौन सी? सेक्शन 84। मतलब? इनसैनिटी। मतलब उन्होंने ये मर्डर पागलपन में किया है। देखना 3 डेट्स में उन्हें बाहर निकाल लाऊंगा मैं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटी, वो क्या ना बीच बीच में बदलते रहते हैं, कभी इधर चाहते हैं कभी उधर। माई फादर इज कम्प्लीटली ऑल राइट। ओके ओके। यार मुझे उस आदमी का पागलपन साफ साफ दिख रहा है, तो इसे क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है? मुझे तो पूरा खानदान ही पागल लगता है सर। आप तो शादी के सपने देख रहे थे, एक बार फिर से सोच लो। बड़े मस्त लड़की है यार, एडजस्ट कर लूंगा। लगता है आप मुझे ही पागल कर दोगे। जय सर, एट ईज। केस के बारे में तुम्हें क्या लगा? इस केस में वाकई कुछ गड़बड़ तो है सर। क्यों? इस केस में तो सबूत बिल्कुल साफ है ना? यही तो प्रॉब्लम है सर। ऐसा लगता है कि सबूत छोड़ने के लिए ही ये मर्डर किया गया। मेरा पुलिस इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होता सर, और इस केस में कोई बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है, यू टेक चार्ज। एक मजे की बात कहूं? तुम मजे के मूड में हो तो पक्का मेरा दिमाग खाओगे, चल बोल। सही कहा आपने, उसके बाप को जमानत मिली तो वो 10 करोड़ रुपए देगी, ऐसा ऑफर दे गई है। 10 करोड़ रुपए? हाँ। बाप का माल समझा है? उसी के बाप का। स्कीम? ओ, 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 काली नहीं देने का है, देखूं किसका है। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग जी। 10 मिनट, पास में एक सिग्नल पर फंसी हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वेटिंग। बोलती है आराम से आगे बात करेंगे, 10 मिनट लगने वाले हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? एक क्लाइंट से मुझे 25,000 देने पर। नहीं यार, इससे पहले कहाँ थे हम? हाँ वो उसकी माँ का। अरे मेरी जायदाद को ऐसे उड़ाएगी क्या? अगर सब कुछ कोर्ट में ही खर्च कर दिया तो मेरे बच्चों को क्या खिलाएगी, मुझे क्या खिलाएगी? अरे भीख मंगवाना चाहती है क्या? आपकी जायदाद कैसे? अबे पत्नी की जायदाद भी तो पति की होती है ना। जमानत में ही 10 करोड़ रुपए फूंक डाले, बुड्ढे की रिहाई होते होते लगता है कि कहीं मैं सड़क पर ही ना आ जाऊं। आई कांट टॉलरेट दिस, आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। क्या हुआ बे? वो तो सिग्नल पे है ना? वो तो सिग्नल पर खड़ी है, पर आपका फोन तो ऑन है। मेरे तो लग गए। आपने कुछ सुना? सब कुछ। क्या यार, इस लड़की के सामने पोल क्यों खुल जाती है मेरी? पहले इसे तो बंद कर दो। ये कटता क्यों नहीं है यार, बंद क्यों नहीं होता? चलना साला, सबसे पहले मैं एक नया फोन खरीदता हूँ। अब तो कंफर्म हो गया ना कि आपका और उसका जमेगा नहीं, क्यों फटी में टांग अड़ा रहे हो? तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? नहीं सर। अरे फेस से कनेक्ट किया है तभी तो ये केस लिया है मैंने, इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। अबे तू तोड़ने का छोड़, तू जोड़ने के आइडिया के बारे में सोच। दिमाग में एक आइडिया है, कहो तो बकू। अब जल्दी से बक। आपकी जबान ज्यादा ही चलती है, जितना कम बोलोगे अच्छा रहेगा। मेरा मतलब था कि आप उसके लिए गाना गाइए और गाने में उसकी तारीफ कीजिए, जरूर पड़ेगी। कोई गाने का सजेशन है क्या? वो तो बेशुमार है अपने पास, आपके पास सुपरस्टार का गाना है ना। लेकिन
वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में है ना, कुछ तड़कता भड़कता बता। अपने पास तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉकबस्टर गाने हैं, शाहरुख के गाने कैसे रहेंगे? ठीक है। चाहता होते तेरे चलचे पड़े, जिस भी दौर में तुझको देखूं हुस्न पे तेरे सारे मरे। हम्पी की तू मूरत लगे, एलोरा की नृत्य सजे, देख के उनको मॉडल बनी ऐ सुंदरी। जहाँ चाह भी मैं चाहता होते तेरे चर्चे बढ़े, जिस भी दौर में तुझको देखूं हुस्न पे तेरे सारे मरे। बच गया है रावण वो जिसने तुझको देखा नहीं, वरना सीता को ले जाता तब नहीं। भीष्म ने देखा नहीं तुझे, रहता ना कुंवारा तभी, ब्रह्मचार्य टूट जाता उसका भी। ऐसी हुस्न की पली तुम, पैदा हुई तब नहीं तुम, बदल जाती सारी कहानियाँ। ऐसी हुस्न की पली तुम, पैदा हुई तब नहीं तुम, गलती है ये ब्रह्मा की ब्यूटी बना दिए। गलती तो ब्रह्मा की है, तुझसे हसीना कोई। Hey girl, come to me for love, I'm gonna take you to the top. Come on, feel now, I love you chibi chat, you are my cutie cat. Hey baby come, come, hey baby come, come, love. Farudin ke le khatta, test bahut sasta, isi liye chal gaya prabra khya. Ay 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 yo, Farudin ko side kar, ye tujhe dekh leta, koi chhod paaye na brahman. एक बार देख ले कोई तुझको भुला न सकेगा, दुनिया को ऐसे ये भुला देंगे जरूर। एक बार देख ले कोई तुझको भुला न सकेगा, दुनिया को ऐसे ये भुला देंगे जरूर। बूढ़ों के दिल में भी ना मचा दे ये तहलका, चाह चाह भी मैं चाहता होते तेरे चर्चे बढ़े, जिस भी दौर में तुझको देखूं तेरे सारे मरे। रवि, बिहेव योरसेल्फ। अरे यार, मैंने तो सोचा था बना लिया इसे, ये सब बातों में क्या बताएं। और ये तुम लोग क्या देख रहे हो? हाँ, काम नहीं है, चल जाना। हर टाइम दाखा झांकी करते हो। अरे केस की सीरियसनेस समझो ना, प्रोसिक्यूटर वेट कर रहा है, हम यहाँ क्या करें, चलो ना। अरे क्या रे मोहन, इसने लॉ की पढ़ाई की भी है या सब आज ही करेगा? यही कमी है आप में। केस में सारे सबूत, सीसीटीवी फुटेज और सारे एविडेंस उनके खिलाफ है, तो कुछ सलाह देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। आपका केस वैसे ही कमजोर है, क्यों हम दोनों इस पर अपना वक्त बर्बाद करें? प्लीड गिल्टी। अबे तू बस करना बे। बे बोला? हाँ बे। देख तू होगा डिफेंस लॉयर, लेकिन मैं हूँ डिफरेंट लॉयर। देख मैं उसकी सजा कम तो करा के मानेगा, अबे कम छोड़, मैं कैंसिल कराऊंगा। ग्लास बॉटल को जब उसके पेट में घोपा गया तो उसकी वजह से उसके हाथ में चोट आ गई, और ये बात तो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है कि नहीं? हाँ है। और जब चोट लगी होगी तो खून भी बहा होगा, उसके खून के धब्बे होने चाहिए। अब बताओ कि मौका है वारदात पर राज सिंघानिया का ब्लड सैंपल मिला क्या? नहीं मिले। मतलब राज सिंघानिया वहां मौजूद ही नहीं थे।
तो क्लूज टीम को दोबारा वहां भेजो। मौकाए वारदात की पूरी छानबीन फिर से करो। अगर राज सिंघानिया का ब्लड सैंपल नहीं मिला ना, तो तेरा ब्लड सैंपल कोर्ट में पहुंचा दूंगा। डर गया साला। हाँ। क्यों, कैसा था? ये सब इस लड़की के लिए ना? शायद। सब बातें पकड़ लेता है। तुम भी कमाल। हम चलें क्या मैडम? डिफेंस लॉयर, आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझा? गौर किया, हल्का सा स्माइल दिया उसने। अबे पगले, ये तो बस शुरुआत है। आप उस्ताद हो सर। जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना था ना, जब इसका बाप रास्ते से हटेगा तभी तो मेरी बारात आएगी ना। फिर तो चल मजे करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस केस की फाइल देखी तुमने? हाँ देख ली है सर। हर क्रिमिनल क्राइम की जगह पर अपना सुराग जरूर छोड़ता है। पिछले 2 साल में शहर में जितने भी मर्डर हुए हैं, इन्वेस्टिगेट देम। आई वांट टू फाइंड अ पैटर्न। जी समझ गई सर। मैंने कहा था ना मैडम, मेरी बात मान लेती हैं आप। आई एम सॉरी मैडम। ए, डोर नॉक करना नहीं आता क्या तुम्हें? अरे तो आप लोग भी तो बंद करके गुटरगू कर सकते हो ना। ओके ओके, रिलैक्स। 1:30 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, डोंट मिस इट। यू गाइस कैरी ऑन। संडे अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली सोनिया मैम आपसे मिलना चाहती है। बेल एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं हम। बढ़ा सकते हैं, पर कोई नया सबूत मिलेगा तो अच्छा रहेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिला क्या? हाँ, आज ही मिल जाएगा ना। और एक बार वो मिल जाए तो उसके आते ही केस खुद ब खुद सॉल्व। और फिर प्रेस मीट में आप मत कहिएगा कि रविंदर ने ही ये सारा काम किया है। रविंदर ने ही सारे सबूत ढूंढ के निकाले हैं। देखिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे कैसे ना दें, एक ही झटके में केस को खारिज करा दिया। आ गया पनौती। परसों छोटा सा क्लू दिया था तो गले लगा लिया था। कहीं ऐसा ना हो आज की मेरी परफॉर्मेंस पर पप्पी मिल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं जलन के मारे जान निकल रही है? अगर ऐसा है तो फिर आगे बंद कर लो। कल तक ज्यादा से ज्यादा हम उम्र कैद की उम्मीद कर रहे थे, पर अब तो फांसी की सजा पक्की है। पर ऐसा कैसे हो गया? स्पॉट से जो ब्लड सैंपल मिला है वो राज सिंघानिया का ही है, ये डीएनए रिपोर्ट से प्रूफ हो गया है। लो कर लो बात। थैंक्स टू यू। अरे रे रे रे, आपका चलिए आपका चलिए। अरे सुनिए सुनिए तो, सोनिया जी मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो। शुक्रिया दोस्त। अरे बाबा नहीं दिख सकती। अरे बस करो, इसे ओवर एक्टिंग बोलते हैं समझी। पर पूरी दुकान तो आप हो। और नहीं तो क्या सर, अपने इश्क के चक्कर में उसके केस और इनके करियर की खिचड़ी पका रहे हो। कानून का क्या मतलब है, हर केस में मोड़ तो आता ही है। लेकिन उसे जीतने की बात कभी अपने मुंह से नहीं कहोगे। देखो वो बात की बात है, मुझे इतना बताइए कि अगर मैं इस केस के छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ तो आप बचाएंगी क्या? और तब भी बचाने के लिए नहीं बुलाओगे? अबे अब बस भी कर बे। मैडम राधिका, मैं एसीपी जयराम सिंह हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने राज सिंघानिया मर्डर केस का चार्ज लिया है। और मैं 2 मिनट पहले ही ये केस छोड़ चुकी हूँ। इस केस में आपके जैसी काबिल लॉयर की बहुत जरूरत है, और मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि इस केस में राज सिंघानिया बेकसूर है। सर, लॉ पढ़ने के बाद भी मैं अपने ससुर को बचाने की टेंशन लेके बैठा हुआ है। सर आप जयराम नहीं, आप तो असली हनुमान है। लगता है मेरी शादी होके रहेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सॉरी मैडम, वेरी एक्साइटेड। सर नाम क्या है आपका? रवि। पूरा नाम? रविंदर। हेलो हेलो। ओके ओके, समझ गया। सर पैटर्न मिल गया है, मैं लोकेशन शेयर करती हूँ। आई विल मीट यू देयर सर। ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ। ओके सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी तो किस्मत खुल गई। निर्मल सेठ मर्डर केस में ये बंदूक पहलवान का बयान है सर। निर्मल सेठ और हमारे बीच आश्रम की जमीन को लेकर छोटा सा झगड़ा तो है, पर सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। जब मैं गाड़ी में जा रहा था सर, रेड लाइट पर किसी ने शीशा खटखटाया था, मैंने बस शीशा उतारा था, मुझे और कुछ याद नहीं सर। उस वक्त क्या हुआ मैं नहीं जानता। मुझे जब होश आया तो मैं शहर के बाहर था, और फिर मैंने परेशान होकर अपने भाई को फोन किया तो पुलिस ने आकर मुझे दबोच लिया। और उतना ही नहीं सर, मुझ पर उस मर्डर का केस भी ठोक दिया। सेम पैटर्न, वही मोड ऑफ ऑपरेशन, गुड जॉब। अगर मरने वाला कोई आम आदमी होता तो ये कब का बाहर आ चुका होता सर। पर निर्मल सेठ, पद्मश्री मिला था उन्हें, उनके अंतिम संस्कार में चीफ मिनिस्टर साहब भी हाजिर हुए थे, इसलिए वो अब तक अंदर है। बंदूक पहलवान के अरेस्ट होने के बाद उसका सारा बिजनेस उसका भाई गोली पहलवानी देख रहा है। hey, और कितनी देर लगेगी, कब तक फ्री होगा तुम्हारा पहलवान? क्या हुआ भाई जी, बहुत बिजी है अंदर, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, चुपचाप खड़े रहो। हेलो, इधर आओगे? Thank you.
सर ने घंटी बजाई बस। असल में लंदन के लिए वीजा लेने गया था मेरा भाई, उस कमिश्नर राठौर ने हमसे बदला लेने के लिए हमें इस केस में फंसाया है। क्या काम है तेरे भाई का लंदन में? दरअसल सर वो बड़े भाई का पुतला लगवाना ना सर, तो उसी के बारे में बात करने गए थे। कहाँ लगाएंगे वो तेरा भाई का पुतला, यरवडा में या आर्थर रोड जेल में? बड़े बड़े लोगों के पुतले लगाते हैं ना साहब, वो क्या नाम है रे उसका, मैडम टुस्सू टुस्सू? टुस्सू टुस्सू नहीं भाई, दरअसल भाई की याददाश्त कमजोर है, वो मुस्सू टुस्सू है सर। वो मुस्सू टुस्सू नहीं है, मैडम टुसॉर्ट्स है। वही वही, बाल और नाखून भाई अपने साथ ले गए थे सर, उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं, शायद उसी के बारे में पता लगाने के लिए भाई लंदन गए होंगे। मैडम टुसॉर्ट्स में पुतला लगवाने गया तेरा भाई, वो विराट कोहली है या सचिन? पुतले के नाम पर कितना ईंट लिया बे? पैसे नहीं लिए उसके, फ्री में लगाने वाले थे। अच्छा, पैसे भी नहीं लिए। सीसीटीवी फुटेज है? वो है, पर ऑपरेटर ऑपरेटर आधे घंटे में पहुंचेगा, मैं दिखा देता हूं, ऐसा कहने से पहले ही चांटा मार दिया। ये है सर। हाँ, ये हमारे घर आया था। क्यों? लायंस क्लब में डैड का कोई पुतला लगना था, मेजरमेंट्स लेने आया था उसी के लिए। हर कोई पुतला बनवाने में लगा है सर। डैड ने लायंस क्लब को बहुत पैसे डोनेट किए थे, उसी वक्त उन्होंने पुतला लगाने की बात की और हम मान गए। पूजा। Yes sir. Send these photographs to all the police stations immediately. I want a lookout notice against this guy. Okay sir. Hi Saket. भाई कमाल का घर है तुम्हारा, अंदर से तो बेहद आर्टिस्टिक है, वाह खूबसूरत। मैं जयराम सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच। बियर लाए हो? वाह, मैं भी यही ब्रांड पीता हूं। मैडम टुसॉर्ट्स में सेलिब्रिटीज के पुतले लगाए जाते हैं, पर अब गुंडों के पुतले लगाए जाने लगे हैं ये नहीं जानता था। कुछ अगर ये तुमने पैसों के लिए किया होता तो कॉमन मैन ने पुतले के नाम पर ठगा है ये सोचकर मैं छोड़ देता, लेकिन पैसे तो तुमने लिए ही नहीं, सो मनी इज नॉट योर मोटिव, तो फिर क्यों किया ये? हे, अब जरा बैठ के बात कर। तुम यहां? हे, तुम यहां क्या कर रहे हो? हेलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्यों आए हो यहां? अरे ये क्या? अरे ए, पुट द गन डाउन। ए ए ए ए नहीं 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 नहीं, तुम जानते हो तुम्हारे भाई को फंसाने वालों में ये भी शामिल है। प्लीज ए, नो ए, प्लीज रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप आई से। आज मीटिंग है क्या? सर वहां ऊपर है। ए, गाड़ी हटाओ यहां से, वहां पार्किंग में जाके लगाओ। सर गाड़ी निकालिए। ए रमेश सर, गोली पहलवान आया क्या? अभी ऊपर भेजा है सर।
हाँ ओके। इतनी देर क्यों लगा दी? साहब आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। ओके, होल्ड ऑन, करता हूं। ठीक है, होम मिनिस्टर से मिलकर आया है। स्टेट ही नहीं, सेंट्रल होम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होता तो भी तेरा भाई नहीं बच पाता। उसके खिलाफ काफी सबूत हैं। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब चल निकल यहां से, चल। को ठिकाने लगा, ऑन हुआ तो लोकेशन ट्रैक कर लेंगे वो। कमिश्नर नरसिंह राठौर एक बहुत ही टफ एंड ऑनेस्ट ऑफिसर माने जाते थे। आईजी ऑफिस के आसपास माहौल बहुत गंभीर है नेहा। कत्ल करने वाला खतरनाक हिस्ट्री शीटर गोली पहलवान बताया जा रहा है। आज दिन में हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने होम मिनिस्टर के साथ एक आपातकालीन बैठक करने का फैसला किया है। उस कमिश्नर ने उसे वार्निंग देने के लिए बुलाया था और वो फायरिंग करके चला गया। अब उसके चलते आप मुझ पर ही फायरिंग कर देंगे तो मैं क्या करूँगा सरकार? देखिए, आप स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? पहले से यहाँ पर इतने सारे आरोप लगे हैं। अरे फिर वही बात कर रहे हैं आप। उस वकील राधिका बाली ने जितने केस किए वो सब झूठे साबित हुए ना कोर्ट में। अपनी सरकार ने भी तो इंक्वायरी कमीशन बिठाई है ना, उस रिपोर्ट को भी आ जाने दो। हमें गोली पहलवान का पता लग चुका है, जल्दी से सभी यूनिट लोकेशन पर पहुंचे। मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या हुआ? सच में कुछ नहीं जानता। किधर है? अंदर है सर। सर जरा आप ही इन्हें समझाइए सर, भला मैं क्यों कमिश्नर को मारूंगा? कल रात मैं मेरे दोस्त के बेटे के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था सर, वहाँ कई गुब्बारे लगे हुए थे, उसमें से एक गुब्बारा फटा और जब मेरी आंख खुली तो मैं शहर के बाहर पड़ा हुआ था। फिर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर दिया सर।
सर, साकेत की डिटेल्स मिल गई हैं। उसकी परवरिश मुंबई में हुई है। न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म एंड सिनेमाटोग्राफी में डिप्लोमा किया है। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए। माँ फिलहाल यूएस में उसके भाई के साथ ही रहती हैं। पिछले साल 3 मूवीज में काम किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट। हाल ही में उसके खिलाफ पुणे में एक FIR भी दर्ज हुई थी सर। केस क्या था? दरअसल केस करने वाला एक्टर ब्रह्मानंद है सर। प्रोड्यूसर के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ था तो उसने शूटिंग से मना कर दिया, तो इसी ने किसी और आर्टिस्ट का मेकओवर करके उसका सीन शूट कर दिया सर। क्या ऐसा मुमकिन सर? मैंने ऐसा केस आज तक नहीं देखा सर। है? यही है वो शूट किया गया सीन। ये एक्टर ब्रह्मानंद नहीं है। एकदम वही लग रहा है सर। ये कैसे हो सकता है? ए, हाँ? इधर आ। सर सच सच बता। हाँ? इसके भाई के साथ साथ इसका भी नाप लिया था ना? जी सर। इत्तेफाक से इस केस को हैंडल करने वाली भी लॉयर राधिका बाली ही है सर। ये क्या बोल रहे तुम? ये ब्रह्मानंद थोड़ी है। ये कैसे पॉसिबल है? प्रोस्थेटिक्स मतलब? एक तरह की मेकअप टेक्निक होती है। ओह, इट्स अ काइंड ऑफ साइंस प्लस आर्ट। तो प्रोस्थेटिक मेकअप करने के बाद कोई पहचान नहीं पाता है क्या? प्रोस्थेटिक मेकअप है? स्क्रीन पर तो 100% नहीं पहचान पाएंगे, लाइव में सामने आते हैं तब देखकर पता लगता है, वरना कहना मुश्किल है। हाय। हाय। कैसी हो? ये मेरी गर्लफ्रेंड जानकी। जानू, ये है एडवोकेट रवि। अगर किसी को मेकअप करना है तो उसका सही नाप लेना चाहिए ना? हर चीज का। आंखों का साइज, आंखें और भावों के बीच का गैप, नाक की लंबाई, चीक साइज। नाप जितना ठीक से लिया होगा उतना ही सही तरीके से बदल सकते हैं। ब्रो। हे ब्रो। तुम्हें खुशखबरी देनी है। तुम दोनों की शादी तय हो गई ना? जानो, सिर फट रहा है यार, एक कॉफी बना दो प्लीज। जानो, तुम रात को यहीं रुक गए थे क्या? मेरी बात बाद में करेंगे, पहले तुझे कॉफी बनाना सिखाता हूँ मैं। अरे क्या सिखाओगे? पहले एक चम्मच कॉफी डालेंगे, बाद में एक चम्मच। तो ऐसे क्यों कर रहा है ब्रो? ए! इतनी मेहनत से कॉफी बनाना सिखा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट। अबे चुप कर जा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ दिनों तक तुमसे मिल नहीं पाएगी, तो तुझे अपने लिए तो कॉफी बनानी ही होगी, साथ में मेरे लिए भी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी जानकी कहाँ है? जल्दी बता मुझे, बता। शहर के बाहर मौजूद है एक अकेली बड़ी इमारत। वहाँ चिल्लाने पर भी कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो साउंड प्रूफ है। वहाँ एक मोटी लोहे की चेन है जिसके एक सिरे पर रॉड है और दूसरे सिरे पर बंधी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। पर ये सब क्यों किया तूने? क्या चाहिए तुझे? क्योंकि तू ही तो मेरा पर्सनल मेकअप मैन है, यानी तेरा मेकअप करने के बाद मुझे मेरी शक्ल चाहिए इसके जैसी। ये कौन है? बंदूक पहलवान। एक छोटा सा क्राइम करके इसके सर पर डाल दूंगा। मैं गलत काम नहीं करूंगा। एक वीरान बंगला, उसके अंदर एक साउंड प्रूफ रूम और उसमें है एक बड़ा सा चेन। चेन के एक तरफ मौजूद है हुक और दूसरी तरफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड का गला। ऐ, रावण के पास सीता 1 साल तक रही लेकिन उसने छुआ तक नहीं। लेकिन इस रावण का ऐसा कोई उसूल नहीं है। अगर तू कंट्रोल में रहेगा तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ कंट्रोल में रहूंगा। Thank you.
अगर तू नाप लेने गया था तो अपने चेहरे पर कुछ मेकअप करके जाना चाहिए था ना। मेजरमेंट्स लेते वक्त बहुत देर तक उस शख्स के नजदीक रहना पड़ता है, समझे? इतने करीब से मास्क का पता लग जाता है। अब इसीलिए पुलिस तेरा चेहरा पहचान चुकी है। नाउ यू आर अ वांटेड क्रिमिनल। मर्डर तूने किया और फंस मैं गया हूँ। ऊपर से तूने किसी ऐसे वैसे को नहीं, पुलिस कमिश्नर को मार दिया। हाँ, उस केस को हमने ही डील किया था। ब्रह्मानंद जी को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए मनाया था। रवि, हिज रवि, ही इज ऑन द केस, ही विल हेल्प यू दैट। मेरी हेयरिंग है तो मैं चलती हूँ। ठीक है। वो ब्रह्मानंद का केस सर, दरअसल उस प्रोड्यूसर ने उसका पेमेंट क्लियर कर दिया, तो केस तो दो ही दिन में सॉल्व हो चुका है। केस फाइल को देख सकते? हाँ जरूर। अरे मोहन, वो केस की फाइल देना सर को। अरे आपको चोट लगी? कुछ नहीं सर, वो बाइक एक्सीडेंट। बाइक एक्सीडेंट में इतना हूँ? हाँ, पर अभी ठीक है। कुछ ज्यादा ही बह गया, देखो तो। अरे बिल्कुल ठीक है सर। आप ऐसी जगह पर था जिसका कोई सबूत मिल नहीं सकता। पूजा, सो केस सॉल्व्ड। केस को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है सर, कोर्ट को सबूत चाहिए। क्रिमिनल रविंदर को छुआ भी तो क्रिमिनल लॉयर रविंदर सामने होगा। कानून की हर कमजोरी पता है मुझे। ए मोहन, करियर में मैंने सैकड़ों क्रिमिनल्स देखे हैं शांति। पॉइंट ब्लैंक रेंज में गन यहां तानने पर भी मैं डरा नहीं था, पर एक हंसी से मैं सहम गया था। चाहे जितना बड़ा क्रिमिनल हो, पुलिस की आंख में आंख डालकर वो नहीं देख पाता, पर उसकी आंखों में वो डर नहीं था। दोस ब्लडी आईज, कई मौतों की गवाह हैं उसकी आंखें। रवि के बारे में आपकी क्या राय है? वो बेहद मजाकिया और बिंदास आदमी है, बट कुछ अजीब सा अट्रैक्शन है उसमें। वही अट्रैक्शन आपको भारी पड़ेगा सोनिया। उस नकाब के पीछे एक हैवान छिपा है। राधिका के ऑफिस में तुम्हारा रवि से मिलना और रवि का राधिका को तुम्हारे पापा का केस लेने के लिए मनाना, ब्लड सैंपल के बारे में प्रोसिक्यूटर को क्लू देना, सब कुछ पहले से तय था। सॉरी टू से, तुम पर प्यार बरसाने का उसका मकसद था। हो तुम्हारे पापा को इस मर्डर केस में किसने फंसाया है? रवि ने। पर उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? सिंपल, पैसा। तुम्हारे पापा अरेस्ट हुए और फायदा हुआ था फार्मा कंपनीज को, वो उनसे पैसे लेता है। वो क्रिमिनल लॉयर तो नहीं है, लॉ को मात देने वाला क्रिमिनल है। He is a professional killer.
उसे अरेस्ट कीजिए आप। अरेस्ट करने के लिए शक की नहीं सबूत की जरूरत होती है, तब तक उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। रवि रवि, दोनों की शादी ना कर लेंगे। पर कब करेंगे? कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देख लो। इस बार का पक्का है ना? सर नौकरी छोड़ गया? अरे नहीं सर, अगर ये खबर सुन लोगे तो आप भी अपनी नौकरी छोड़ दोगे। अच्छा? वो एक्चुअली सोनिया जी मिली थी। पर क्यों? इंक्वायरी के लिए आई थी, पर मैंने कॉफी पर ही सब कुछ बता दिया। आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फाइनेंशियल सब बक दिया मैंने। और क्या पूछा सर? आप ये पूछिए कि आपके बारे में क्या क्या नहीं पूछा। फैमिली मेंबर बनना चाहती है, इसीलिए आपकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ But some information is injurious to health. इतनी अंग्रेजी आती तो मैं सीनियर ना बन जाता। वैसे बोला क्या तुमने? अरे इसमें क्या है ना? मेरा बाप तो वैसे ही अस्पताल में है और उसका बाप जेल के अंदर है। अगर दोनों को मिला दिया तो शादी पक्की समझो। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अबे इसीलिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी है तुझे। मेरे एलिवेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? डाक और मेजरमेंट लेना है आज ही। ठीक है। मतलब लड़की पटने वाली है तुमसे? अरे क्यों नहीं पटेगी भाई, थोड़ा कॉपरेट करेंगे तो बिल्कुल पट जाएगी ना। सब आपके हाथ में, कुछ करिए प्लीज 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 प्लीज। मान जाइए ना, मान जाइए ना। आ गई। क्या शोर मचा रखा है? जानते भी हो टाइम क्या हो रहा है? अरे बाप रे। शेखर तुम अंदर चलो। अरे लास्ट है, लास्ट है। क्या हुआ? शादी को 3 साल हो गए लेकिन ड्रॉप खत्म नहीं हुआ है आपका? अरे कहाँ ना आए, एक ड्रिंक खत्म करके आ रहे हैं आपके पास। तुम इसे नहीं जानते, ये सबके पीछे ऐसे ही पड़ जाता है। अगर पागलपन करने की बात कहे तो साफ मना कर देना। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर। कुछ उसके बापू की बिल का करो ना, तभी तो पटेगी ना वो मुझसे। प्लीज प्लीज सर, प्लीज 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 कुछ तो करो ना। रुक ना, इस केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। एविडेंस अगेंस्ट हिम इज वेरी स्ट्रांग। इनफैक्ट राधिका ने तो साफ मना कर दिया था, पर ये केस लेने के लिए मैंने उसे मनाया। एक और, एक और, एक और, एक और। लाइए ना, लाइए, मैं लेके आता हूं। सर, शेखर सर, शेखर, ए शेखर। तेरे बाप को बेल देने के लिए 10 लाख देने वाली थी तो एक वीक मुझे एंटरटेन कर दो, बस सुबह तक तेरा बाप बाहर आ जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कहते हो? थिंक प्रैक्टिकली बेबी, लेट्स बर्न सम कैलोरीज। मैं तुम्हारे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल करूंगी। ऐसा कोई काम मत करना सोनिया, प्लीज प्लीज। सॉरी यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कल रात तक मास्क तैयार हो जाना चाहिए। Let's forget about what happened last night. ऐसी हरकत दोबारा मत करना। शेखर स्टॉप। शेखर, I'm going to call the police. Ah!
सिग्नल नहीं मिला क्या? हाँ, मिलेगा भी नहीं। ख्यालों में बहुत बार लूट चुका हूं मेरी जान। आज मेरी फैंटेसी सच होने वाली है। जोश कुछ ज्यादा ही है। और चिल्लाओ मेरी जान, इट्स टर्निंग मी एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बस डरने का नहीं। सुनीता जी मैडम, क्या सर ने कॉल किया था? नहीं मैडम। शेखर, वेयर वर यू लास्ट नाइट? हाँ, कहाँ थे कल पूरी रात? एक भी बार फोन नहीं उठाया। पता है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। अभी अभी डीएसपी करण को भी कॉल किया था। व्हाई? अपना विकास है ना, जस्टिस विकास। पार्टी के बाद वो मुझे जबरदस्ती फार्म हाउस ले गया। आई हैड अ फ्यू ड्रिंक्स देयर। थोड़ी ज्यादा हो गई थी इसलिए मैं वहीं सो गया। सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी। आई हैव अ सीवियर हेडेक। एक कॉफी पिला दो ना। सुनीता, सर के लिए कॉफी लेकर आओ। एक्सक्यूज मी। सॉरी सर, ये रात को घर नहीं आए थे तो मैंने कॉल किया था। आप चलिए, कोई बात नहीं। आई विल कॉल द कमिश्नर। हम यहाँ सर के लिए आए हैं। सर के लिए? व्हाई? सिनकॉक्स फार्मा की एमडी सोनिया के मर्डर केस में हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। व्हाट? सोनिया का मर्डर हो गया? हमारे पास एविडेंस है कि आपने सोनिया का करके मर्डर किया था। हमारे पास दो आई विटनेस भी हैं। क्या? व्हाट? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं स्टेट का अटॉर्नी जनरल हूँ। क्या है ये सब? प्लीज प्लीज मूव। अधिका, मैंने वो मैसेज नहीं किए, मैं सच कह रहा हूँ। तुम तो मेरा यकीन करो। कल रात पार्टी में मेरा सिर चकराने लगा था। सुबह होश आया तो मैं किसी दूसरी जगह पे था। प्लीज राधिका, बिलीव मी। आप चलिए सर। One second, I'm talking to my wife. सर, सर, देखिए हमसे बेहतर लॉ आप जानते हो। डोंट क्रिएट अ सीन हियर। प्लीज कोऑपरेट विद अस। प्लीज कम। प्लीज। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? सर, मैडम क्या हुआ सर को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम गोइंग मैड। सर, 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 आप ही बताइए ना क्या हुआ। सोनिया के रेप एंड मर्डर केस में यही प्राइम अक्यूज्ड हैं। सोनिया? सोनिया मर्डर? Everything all right, sir? Status क्या है? बस 5 मिनट, रिपोर्ट आने वाली है। ओके, ओके।
सोनिया को तो मार दिया सर। आपकी इतनी कोशिश के बाद भी शेखर पर इस खून का इल्जाम लग ही गया ना। अब लगता नहीं कि शेखर बचने वाला है। नहीं बचेगा मेरा दोस्त। ए सन, अभी तक तूने सिर्फ मर्डर्स किए थे और बच रहा था, पर पहली बार तूने मर्डर के साथ में भी किया है, और मुझे यकीन है कि उसकी बॉडी पर और रूम में तूने डीएनए एविडेंस तो जरूर छोड़ा होगा, और वो काफी होगा तुझे अरेस्ट करके अंदर करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी आपके हाथ नहीं आऊंगा। मर्डर वेपन पे तो फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, लेकिन सर के और बिस्तर के ऊपर हेयर स्टैंड्स भी मिलने वाले हैं, और बेडशीट के ऊपर उनका स्पर्म भी मिलेगा। सर के मैडम के कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए टेस्टिंग के लिए फर्टिलिटी सेंटर में स्पर्म देने गए थे वो, तो उसे वहां से लाकर फिर मैंने पूरे बेड पर छिड़क दिया सर। सेक्शन 307 456 122 के तहत उसकी मिनिमम सजा होगी उम्र कैद की। उम्र कैद? सोनिया, अरे 2 महीने में रिटायरमेंट है, इतनी टेंशन काय को लेता है, थोड़ा चिल करना। इसीलिए मेरी बात मान, अपने घर जा और अपनी पोती के होमवर्क पर ध्यान दे। हमारे इलाके में कबूतर भी एक ही पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है, तो तुम समझ ही गए होगे। सोनिया, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? पोस्टमार्टम हो चुका है, आप बॉडी ले जा सकते हैं। आपने उसे कहा था ना कि वो मेरे बारे में पता करे। उसने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अब उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? मैं या? कितनी बेरहमी से उसने मेरी सोनिया को मार दिया ना, देखिए ना सर, देखिए। मैं अपनी प्रेमिका की मौत की बात कर रहा हूँ और ये मुझसे कह रहे हैं कितना लकी है वो करने वाला, कितना अन्याय है। आप भी बताइए, ये कोई तरीका है क्या किसी से बात करने का? आप भी बता रहे हैं छोड़िए छोड़िए मुझे, चलिए सर, ले जाओ ले जाओ यहाँ से। बाबू एक कॉफी। एक आइसक्रीम वाला और 2 नारियल वाले बंदे घर के पास बिठा दिए, उनके पास वॉकी टॉकी भी है। उस पुलिस वाले का कंसंट्रेशन पूरा मुझ पर ही है, थोड़ा अलर्ट रहना तू। और वो नेता बलवंत के लोग भी तुझे ढूंढ रहे हैं। लास्ट टाइम गलती से लेके आया ये बोल के कवर किया था तुझे मैंने, पर इस बार उतना आसान नहीं है। अब इस नंबर से कांटेक्ट करना तू। ओके। जानू की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक वो हमारी कस्टडी में है, तब तक साकेत हमारे कंट्रोल में। ओके। चलो। अभी अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सिनकॉक्स कंपनी की एमडी सोनिया सिंघानिया का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अभी तक साकेत का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस इस मर्डर की तहकीकात काफी सरगर्मी से कर रही है। तुमने उस लड़की को बेरहमी से मार दिया। इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ, इसी सच के साथ जिंदगी भर रहना होगा। Why are you doing this to me? Why? Bloody pervert. Pervert क्या? क्या बोलता है ब्रदर? एक तो तेरी गर्लफ्रेंड पूरी आइटम दिखती है और ऊपर से वो मेरी कस्टडी में भी है। सोच में क्या नहीं कर सकता, या फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पर किया क्या? तुझे समझना चाहिए ना, मैंने किया क्या? अरे पगले, तू अपने भाई के जैसा है। ये मर्डर करने से ना मुझे 1 पैसे का फायदा नहीं हुआ। अरे बेवजह मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाह रही थी वो, तो मैंने किया, टपका दिया। That's it. आप सोचा कि टपका दिया है तो जरा उनके हुस्न के दर्शन भी कर लेते हैं। तो
तो सोचा नहीं और कर दिया। इस चक्कर में मैंने सोनिया का मर्डर नहीं किया था। अरे उतना गिरा इंसान नहीं हूँ भाई मैं। लगा के मर्डर कर ही रहे हो तो थोड़ा आ जा इसे सेलिब्रेट करते हैं। अरे ज्यादा मत सोच, आ जा आ जा। अरे कल जानू का बर्थडे था ना, तो सोचा केक कटवाऊंगा फिर उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। तूने सारे प्लान बनाए थे यार, पर देख ना तूने कैसी ना समझी कर दी, मेरे कॉलर पकड़ लिया तूने। चल कोई बात नहीं, रात में बात करता हूँ ना, ले चीयर्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ए मुन्ना कहाँ बोलो? वेरी बैड आइडिया। जानकी से वीडियो कॉल करवाने वाले थे तुम? चल जा, पहले ड्रिंक फिक्स करके आ। अरे ये खून कैसे लगा? हाँ अरे भाई छोटा सा पपी था ब्रदर, प्यारा सा, छोटा सा, क्यूट सा, गोल मटूल, चेन में बांध के रखा था तो बेचारा तोड़ के भाग गया। मैं पीछे पीछे भाग रहा था कि अचानक सामने गाड़ी आई। मुझे जानकी से बात करनी है। नहीं हो सकता, मेरी जानू से बात कराओ अभी इसी वक्त। ये मैं डिसाइड करूंगा कि वो कब बात करेगी, तो उसे जो बोला वो कर। अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आई हैं आप, थोड़ा सा डिसओरिएंटेशन होगा, जस्ट रिलैक्स। डॉक्टर आई नीड योर हेल्प, वो एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि अरे बोलो ना, स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी। फिलहाल ये खतरे से बाहर हैं और ठीक हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। और ये तुम ठीक हो? ठीक हो, आराम से। आई टेक केयर डॉक्टर, आई टेक केयर। ओके या आओ चल मुन्ना। क्या हुआ? वॉशरूम डॉक्टर, वॉशरूम।
एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर दिनेश ने कॉल किया है। इट्स अबाउट रविंदर। स्टॉप स्टॉप, मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। आई सॉ हर समवेयर। यस यस, मतलब रवि साकेत की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके साकेत को ब्लैकमेल कर रहा है। अगर हमने इस लड़की को बचा लिया तो साकेत हमारे साथ जरूर कोऑपरेट करेगा। दिस इज टॉप प्रायोरिटी। उस डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। जयराम सिंह को जानू के बारे में पता चल चुका है। अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है। अब उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने का टाइम आ गया है लगता है। कितनी देर है? टास्क खत्म हो गया है। एक बार प्लीज मेरी जानू से बात करा दो ना। जानू से बात करा दो, मेरा लव, मेरा लवर, इसके अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या तेरे को? जानता है कितने स्ट्रेस में हूं मैं? जरा सा ख्याल भी है तुझे? मेरी बात करा दो। मुझे कुछ डाउट लग रहा है, तुमने जानू को कुछ कर दिया है? तभी तो एक हफ्ते से मेरी बात नहीं होने दे रहे हो। क्या हुआ जानू को, मुझे सच सच बताओ। तुझे क्या लगता है? ऑप्शन ए मर्डर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड मर्डर। ओ टेक अ चिल पिल, हैं? ऑप्शन डी भी है यार। नन ऑफ द अबव। जयराम सिंह को मार के आने के बाद में तुम्हें जिसका जवाब चाहिए दूंगा मैं। मास्क। We're on the way to office. 5 minutes में पहुंच जाएंगे। Office चलो। Hello। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप पर हमला होने वाला है। दिनेश जैसा दिखने वाला आदमी आपको मारने वाला है। What? सर एक्चुअली डॉक्टर दिनेश नहीं, दिनेश के रूप में जो आदमी है वो आपको मारने वाला है। I repeat सर, दिनेश जैसा दिखने वाला आदमी आपको मारने वाला है। साकेत। हेलो, इज इट साकेत? साकेत साकेत, मैं जानता हूँ कि तुम ही बोल रहे हो, पर सुनो, मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की आड़ में तुम्हें धमका रहा है। मेरी मानो और खुद को सरेंडर कर दो। और हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सेफली छुड़ा कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। साकेत, डू यू हियर मी? हेलो साकेत, आर यू देयर? हेलो रवि। ओ तो पता चल गया। हाँ
सर इस दिनेश को क्यों मार दिया आपने? ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये दिनेश नहीं है, ये रविंद्र है। ये मुझे मारने आया था तो मैंने इसे ही मार दिया। लेकिन आपको ये कैसे मारेगा सर? अभी तो हमने इसको चेक करके अंदर भेजा था। दिनेश, देखो तुम रविंदर के खिलाफ कंप्लेंट करके एक बड़े जाल में फंस गए हो। इस वक्त तुम्हें बचाने वाला सिर्फ जयराम सिंह ही है। ओके। दिनेश ये लो कार कीज, चलो चलो जल्दी चलो। वो यहाँ से चला है, तुम्हारे पास 10 मिनट है। मैं भी चल रहा हूँ। ओके। उसने ऑफिस में एंटर किया है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, पास में ही है। वो अंदर आ चुका है, जल्दी निकलो वहां से। एक्स्ट्रॉर्डिनरी शॉट, ये समझना कि ये तो बस टीजर है तुम्हारे लिए, अभी पूरी पिक्चर बाकी बची है। इस दुनिया में अगर कोई मुझे रोकने वाला शख्स मौजूद है तो वो मैं हूं। ब्रदर सॉरी, मुझे लगा जानू को तुमसे खतरा है इसलिए मैंने कॉल कर दी। प्लीज जानू को कुछ मत करना, प्लीज ब्रदर सॉरी कह रहा हूँ ना, प्लीज। नॉट बैड। अगर टेंशन नहीं होती ना तो तू जयराम सिंह को कभी कॉल नहीं करता, और अगर तेरी वॉइस में ईमानदारी नहीं होती ना तो वो कभी बिलीव भी नहीं करता, इसीलिए तू टेंशन मत ले यार। जानकी फोन। जानू, तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? डोंट वरी, आई विल बी फाइन। बी स्ट्रॉन्ग साकेत, बी स्ट्रॉन्ग। चाहे उस रविंद्र की जान क्यों ना लेनी पड़े, मैं तुम्हें बचाकर ही रहूंगा। तुम्हारे लिए जान ले भी लूंगा और चाहे तो जान दे भी दूंगा। डिसाइड हुआ? इंक्वायरी बैठा दी है मुझ पे, उनको अपनी ड्यूटी करने दो, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। उसकी फैमिली के बारे में कुछ डिटेल्स पता लगी? उसकी एक गर्लफ्रेंड है सर, पता लगा है वो एक ऑर्फनेज में टीचर का काम करती है, और रविंद्र हफ्ते में 2-3 बार उसके फ्लैट पर जाता रहता है। लेट्स गो। ए जानू के बेबी, कॉफी रेडी ब्रदर। क्या बात है, बड़ी फुर्ती में।
का पीछा करो। मुन्ना। हाँ भाई। जानकी कहाँ है? सेफ हाउस पहुंचने के लिए मैसेज किया था ना? मैं पहुंच गया हूं। मैंने मैसेज मुन्ना जल्दी। समंदर पार करना काफी नहीं है, इस रावण को भी हराना होगा। Get back to work. फोन किया तो रिस्पॉन्स नहीं दिया। रूम गई तो वहां ताला लगा हुआ था। कहां गायब थे तुम? पता है तुम्हारे लिए पुलिस आई थी। के बाद मार दिया। एक लड़की को किडनैप कर उसे हॉस्टेज बना के रखा है। ऐसा कुछ कह रहे थे।
आखिर तुम्हें ये वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए आए थे। हाय रवि, हाय सुषमा, पुलिस स्टेशन चल के बात करें, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। श्योर सर, डार्लिंग मैं अभी आया। वैसे आपके पास वारंट है? अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए, हम यहाँ इंक्वायरी करने आए हैं। ओह, इंक्वायरी के लिए स्टेशन बुलाने के लिए मुझे कम से कम एक सामान तो भेजना बनता है ना सर। एक बार आप ले आइए, उसके बाद मैं फुर्सत में स्टेशन आऊंगा। अप एंड डाउन का खर्चा आप लोग करने वाले, एज पर सेक्शन 161। इंक्वायरी के नाम पर स्टेशन ले जाने के बाद थर्ड डिग्री देने पर कन्फेशन ले लेंगे, यही सोच रहे हैं ना? हाँ, यही सोचा ना? ए, चल चुपचाप गाड़ी में बैठ। जैसे मुझे अरेस्ट करके ले जाओगे ना, ये लड़की कोर्ट में जाएगी, हैबियस कॉर्पस पेटिशन लगाएगी। तो डार्लिंग, नाम याद रखना, हैबियस कॉर्पस। और उसके 24 घंटे के अंदर तुम्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा मुझे। और जंगल में शेर का, पानी में मगर का, और अदालत में रविंदर को फेस करना कैसा होता है ये जानते हो ना सर? बिना खून की बूंद टपकाए थर्ड डिग्री टॉर्चर का एहसास करा सकता हूँ मैं, तो जरा सोच लेना। बिना खून खराबे के थर्ड डिग्री टॉर्चर का एहसास करा सकती हूँ? वैसे इसको कोर्ट में फेस करना मुश्किल हो जाएगा सर, सच तो हमें पता ही है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, यहीं ठोक देते हैं साले को, फिर चैन से मटन बिरयानी खाएंगे। अच्छा, क्या ठोकेगी क्या? ओहो, तो इसका क्या करें मैडम? मैं मार सकता हूँ और मर भी सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। तू, तुम्हारे और तुम्हारे मिसकैलकुलेशन की वजह से सोनिया की जान गई, तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से डॉक्टर की भी जान गई। अगर तुम लोगों ने एक भी रॉन्ग स्टेप लिया ना, तो इस लड़की की मौत भी तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी। Ravi, you are getting yourself into danger. I am not in danger. I am the danger. Wait. अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल है? मैक्स हॉस्पिटल। ओके, मुझे सारी डिटेल्स की अपडेट दो। ओके मैडम, जल्दी। रात भर ड्यूटी करके थक गई होंगी मेरी जान, आओ गर्मा गर्म बिरयानी खाते। हेलो, इसे ढूंढ रही है क्या? आ बैठ जा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरा खून खौल जाता है। आ इसे अच्छे से मिलाओ और खाओ, खाओ वो पीस, खाओ ना, खाओ वो पीस खाओ। सोनिया को किसने मारा था? तुमने। और जेल में कौन है? हा? जेल में शेखर है। अब तेरा करके तेरा मर्डर कर दूं तो जेल में कौन जाएगा? फंसा दूं तेरे बॉयफ्रेंड को या फिर जयराम सिंह? खाओ ना। ये तुम्हारी ड्यूटी की धुन में कुछ ज्यादा ही गैप हो गया है ना? देखो, खाने के अंदर गैप नहीं आना चाहिए। अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक महीने के लिए घूमने जाओ। अरे और खाओ ना। बस और नहीं। अरे अभी तो बहुत से पीसेस रह गए ना, क्या मैं सीजर को बुलाऊं क्या? सीजर, अरे वो कुत्ते का नाम सीजर ही है ना, पता नहीं मेरे बुलाने पे क्यों नहीं आता। सीजर, क्या किया तुमने सीजर के साथ? अरे मैंने क्या किया, ये सीजर ही तो है जिस पर नींबू निचोड़ के तुम मजे से खा रही हो। सीजर,
Come on, baby, come on. Sita. मर्डर करना क्राइम है, मगर पकड़ में आए बिना मर्डर करना आर्ट है। आई एम एन आर्टिस्ट, रिस्पेक्ट माय आर्ट बेबी। उसकी आंखों में देखने से ही पैर कांपने लगते हैं सर, इसलिए 6 months की लीव ले ली सर। मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। पूजा, जस्ट लिसन टू मी सर, प्लीज। आई एम सॉरी, फिलहाल मैं बस यही हेल्प कर सकती हूँ। रामचंद्र ब्रह्मा, अपोलो हॉस्पिटल, गुड़गांव। शांति। यही है सर, रामचंद्र ब्रह्मा। इनसे बात कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं सर, पर वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। शांति। शांति कौन? इन्हें 2 साल पहले ट्रीट करने वाली डॉक्टर है सर, ये तभी से शांति बोलते हैं। मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। सॉरी सर, लास्ट ईयर डॉक्टर शांति का किसी ने मर्डर कर दिया था। पापा कैसे हैं? सब ठीक है ना? He's all right, sir. क्यों पापा, क्या हुआ? He's fine, Ravi. Hi. क्या हुआ सर? ना हाथ में गन है, ना फोर्स है साथ में, यहाँ कैसे आना हुआ? मिस कर रहे थे क्या? तुझे अरेस्ट करने नहीं आया हूँ, मैं तो बात करने आया हूँ। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है और 4 जेल में हैं। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट प्रोफेशंस, बट नो कनेक्शन। व्हाटएवर सो, बट डीपली रिसर्च करें तो इन सारे कैरेक्टर्स को कनेक्ट करने वाला सेंट्रल पॉइंट एक है, दैट इज डॉक्टर शांति। पूरे 20 साल पहले सिनकॉक्स नाम की एक छोटी सी फार्मा कंपनी थी। उसने शुगर की बीमारी को कम करने वाली एक ड्रग को 2 करोड़ खर्च करके पेटेंट हासिल किया। उस समय एफडीए के डायरेक्टर थे एक जमाने के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे। एम आई राइट? ड्रग के साइड इफेक्ट दिखे तो प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए बिना अप्रूवल देना मुमकिन नहीं है। मैं ऑलरेडी पेटेंट के लिए 2 करोड़ खर्च कर चुका हूं और अब क्लिनिकल ट्रायल्स पर खर्च करने के लिए मेरे पास और पैसे नहीं है। नोएडा में 3000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, फ्यूचर में वहां एक हाईटेक सिटी आने वाली है। नाइस। इसकी अच्छी अप्रिसिएशन वैल्यू मिलेगी। उस ड्रग के मार्केट में आने के कुछ साल बाद उस ड्रग को लॉन्ग टर्म यूज करने वालों को डिमेंशिया नाम की दिमाग की बीमारी होने लगी और इस बात को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया डॉक्टर शांति ने। एंड बाय द वे, आई एम सो सॉरी रवि, तुम्हारे फादर भी डिमेंशिया विक्टिम है ना? अ कंप्लीट ब्रेन डैमेज्ड विक्टिम। दिमागी संतुलन खो बैठने वाले तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हारी बहन मर गई। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। बहन की लाश सामने पड़ी थी और ताली बजाते हुए तुमने अपने फादर को देखा। टूटे दिल से मर गई तुम्हारी माँ। आई कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद तुम्हारे फादर की कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गई। I can understand. रानी। मैं रानी नहीं हूँ। रानी, मेरा नाम है शांति। मेरी बहन का नाम रानी। रानी, उसी को याद कर रहे हैं। शांति,
तुम्हारे फादर जैसे अनेक डिमेंशिया पेशेंट्स को ट्रीट करने वाली डॉक्टर शांति ने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। उसने पता लगाया कि इस प्रॉब्लम से जूझने वाले पेशेंट्स में से मेजॉरिटी सिनकॉक्स फार्मा से बनी डायबिटिक ड्रग के इस्तेमाल करने वाले ही थे। रवि भाई, लास्ट 3 मंथ्स में मैंने बहुत से सेरेब्रल पॉल्जी पेशेंट्स को ट्रीट किया है। 80% पेशेंट्स हैव वन कॉमन फैक्टर, सिनकॉक्स ड्रग। इसमें इतना शौक होने की कोई बात नहीं है भाई। दुनिया में कई देशों में बैन किए गए ड्रग्स हमारे इंडिया में ओवर द काउंटर आसानी से बिकते हैं। इंडियन मेड कॉफ सिरप, हाल ही में खांसी की दवाई पीकर गाम्बिया में 70 बच्चे अपनी जान खो बैठे हैं, पर लाखों करोड़ों कीमत वाला ड्रग माफिया ऐसी बातों को बाहर आने ही नहीं देता। डॉक्टर शांति ने इस बात को उस फार्मा कंपनी के R&D हेड को बताया, सिनकॉक्स कंपनी R&D हेड सोनिया सिंघानिया, डॉटर ऑफ राज सिंघानिया। अपनी 6 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उनमें मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। सफर करने वाले आपकी कंपनी के ड्रग्स यूज कर रहे थे। आई थिंक इट्स बेटर कि अपने ड्रग्स को फिर से क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेज दें। ओके, आई लुक इनटू इट। इस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा कुछ डाउट रेज हुआ है, वी नीड टू वेरीफाई दैट। हमें टेस्टिंग करनी होगी, ह्यूमन ट्रायल्स। समझ गया, आपको टेस्टिंग करने के लिए बच्चों की जरूरत है। मैं काफी अनाथ बच्चों को जानता हूँ। We can do it. But the most important thing is, in human trials के बारे में कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए। वो अनाथ बच्चे हैं सर, उनके बारे में कोई भी फिक्र नहीं करेगा। बच्चों को मुफ्त में ट्रीट करने वाले डॉक्टर ने वहाँ के 35 बच्चों पर इस ड्रग को टेस्ट किया था। उनमें से 7 बच्चे मर गए, 4 का तो परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो गया। ड्रग के साइड इफेक्ट्स प्रूव होने के बाद इसको फाइंड आउट करने वाली डॉक्टर शांति को बुलाया गया। इस मैटर को दफनाने के लिए 200 करोड़ का ऑफर उसे दिया गया था, पर वो लड़की मानी नहीं। डॉक्टर शांति ने कोर्ट में केस फाइल किया। अगर हम हाई कोर्ट में जीत गए तो वो सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, उसके बाद केस 5-10 साल और चलता रहेगा, जिसका कोई फायदा नहीं। What you need is a permanent solution. फिर एडवोकेट जनरल के परमानेंट सॉल्यूशन के मुताबिक 20 लाख रुपए में 2 गुंडों को सुपारी दी गई थी, यानी बंदूक और गोली पहलवान। उस लड़की ने हम पर केस फाइल किया है, अब हम उसका मर्डर करेंगे तो इट विल कम बैक टू अस। एग्जैक्टली, मर्डर का इल्जाम तो हम पर ही आएगा। मेक इट एन मर्डर। गो अहेड, शी डिजर्व्स इट। पर लगाकर उन्हें कोर्ट तक में पेश किए बिना ही शूट करके कमिश्नर बलराज ने सुपर कॉप का खिताब हासिल किया। सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी मैंने, उसका नहीं किया था यह साबित करने के लिए कि शेखर ने
किया, ऐसा सिर्फ तुमने एविडेंस को क्रिएट किया था। इस रिवेंज में भी तुम अपने संस्कार नहीं भूले। आई अप्रिशिएट यू रवि। ये आखिरी मर्डर कब करने वाले हो? वही तब के हेल्थ मिनिस्टर और आज के होम मिनिस्टर बलवंत राय का। जब ये मैटर मेरे पास आया तो इंक्वायरी मुझे ही करवानी है ना। अगर इंक्वायरी में साबित हो जाता है कि तुमने दवा देकर लोगों की जान ली है तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अगर मुझे कोई अच्छा सा ऑफर दे पाओ तो गवर्नमेंट साइड की सारी परेशानियां मैं झेल लूंगा। डन। अपनी कंपनी के 30% शेयर्स बलवंत जी को ट्रांसफर कर दो। अरे क्या बात है, तुम तो बड़ी होशियार निकले। रवि मेरी बात सुनो, मैं पुलिस और तुम लॉयर हो, हम दोनों मिलकर उन्हें सजा दिलवाएंगे। सर आप जानते हैं हमारे देश में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट 2%। ये तजुर्बे से बोल रहा हूँ मैं। उन्हें सजा दिलाने से अच्छा है अगर ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए तो ज्यादा आसान होगा। रवि तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे सिंपथी है। सिंपथी किसे चाहिए सर? अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करके जो फाइल रेडी की थी वो आप मुझे दे दीजिए। नो वे। ओके सर, ओके आप जाइए, मैं किसी दिन आपके रूप में आऊंगा और वो फाइल लेके चला जाऊंगा। पर मैं तुम्हें बलवंत राय को मारने नहीं दूंगा। 10 चेहरों वाला, 10 रूपों वाला, 10 दिमागों वाला रावणासुर हूँ मैं रावणासुर। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तब तक मौत को भी मेरा इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ सर से। ओके ओके मैं कहता हूँ। वो सीएम कैसे भी करके आपको साइड करना चाहता है, एक दो दिन में जमीन घोटाले के अंदर आपको गिरफ्तार करवाने वाला है। अब हमें कुछ करना होगा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे क्या सोचूं मैं, उस सीएम को पिछली सर्दियों में उड़ाने जा रहे थे तो क्या किया तुमने? सर 2 बार स्केच बनाया था पर मिस हो गया था। ओहो 2 बार स्केच बनाया था सर, तुम्हारे जैसे नालायकों से और होगा भी क्या, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी मुझे। दादा क्या हुआ, क्यों हाफ रहा है? सिनकॉक्स स्कैम में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। स्कैम में इन्वॉल्व 10 में से 9 लोग मर चुके हैं, आप ही बचे हैं। अब आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा दादा। वो सीएम ज्यादा से ज्यादा मुझको बंद ही करवा सकता है ना, वो छोड़ो तुम, पर ये सेफिरा तो प्लान करके स्केच बना के हमको दफना देगा। हमें दोनों ही साइड से खतरा है, हमें एमएलएस का सपोर्ट चाहिए। जाकर सारे एमएलएस को इकट्ठा करो। ठीक है दादा। अबे क्या है ये, बर्थडे पार्टी कम शोक सभा ज्यादा लग रही है। हाँ भाई डीजे वाले चल अब शुरू कर। क्या मेरी जान, तू स्टार्ट करना, मैं ज्वाइन करता है। लाल फूलों के पेड़ के नीचे लाल चूड़ियों वाले लाल चूड़ियों वाली लीली ने दिल में जगह बना ले। लाल फूलों के पेड़ के नीचे लाल चूड़ियों वाली लाल चूड़ियों वाली लीली ने दिल में जगह बना ले। चटपटी सी बातें और नशीला दिल है, रेड पर जैसी आंखें देखी बड़ा थ्रिल है। रे पायल बजे एक बार नाच राजा तीन मार 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 चिल्ला के मार। क्राउड सॉन्ग है नच जा लाउड साउंड जम के मजा। काटी शुंग कर दी कर दी काटी शुंग। क्राउड सॉन्ग है नच जा लाउड साउंड जम के मजा। काटी शुंग कर दी कर दी काटी शुंग। काटी शुंग काटी शुंग कर दी कर दी काटी शुंग। काटी शुंग काटी शुंग कर दी कर दी काटी शुंग। Thank you.
दूध को बाद में गटका, जवानी में विस्की चलका, टिंकू नर टिंकू बेबे। ए शादी वाला काला टिक्का, फर्स्ट नाइट मारा छक्का, माथे से पसीना टपका, टिंकू बेबी टिंकू ओ। अंगूठी पे अंगूठी पहनाते हैं जो सिंगल, रंगों पे भी अपना ही ये रंग उड़ाते किंग लो। ये लाउड सॉन्ग है नच जा, लाउड साउंड जम के मजा, काटी शुंडी काटी शुंडी, करडी करडी काटी शुंडी, लाउड साउंड करा मचा, क्राउड सॉन्ग है नच जा, काटी शुंडी काटी शुंडी, करडी करडी काटी शुंडी, काटी शुंडी काटी शुंडी, करडी करडी काटी शुंडी, काटी शुंडी काटी शुंडी, करडी करडी काटी शुंडी। सर मेरी बात तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शोर मचा रखा है? मुझे अभी के अभी मिनिस्टर साहब से मिलना है। तुम कल सुबह पार्टी ऑफिस पहुंचो, देखते हैं। सर सर, मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी से जुड़ी बात है, आप मुझे बस एक मिनट दो, कुछ दिखाना है आपको, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। क्या दादा, ऐसे क्यों चौंक गए? अबे इस तरह से सामने आएगा तो कौन नहीं चौंकेगा बे? वो भीमसेन जब आपके बारे में इंक्वायरी कर रहा था तो आपके और सीएम के बीच किसी दुश्मनी का पता चला सर, और इसी वजह से वो कुछ प्लान कर रहा है। सर वो रवि ने मेरी गर्लफ्रेंड जानकी को किडनैप कर मुझे ब्लैकमेल कर मुझसे सब कुछ करवाया है। पुलिस फोर्स पूरी आपके अंडर है, आप ही मेरी गर्लफ्रेंड को बचा सकते हैं सर। जैसे उसने सबको टॉर्चर किया था ना, वैसे ही आप भी उसे टॉर्चर करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। तेरी स्टोरी के मुताबिक तो वो बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है। फिर तो उसे अंदर करवाने के लिए एविडेंस और गवाह पक्के होने चाहिए। मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है साकेत। बोलिए सर। अब तक तो तुमने ही उसको मास्क पहनाया था ना, अब उसके मास्क में हमें एक आदमी को लाना है। मुझे जिंदा रहने के लिए और तुझे अपने प्यार को बचाने के लिए ये सब तो करना ही होगा। मीटिंग का टाइम हो रहा है, मास्क रेडी है क्या? ये क्या है, मेरा मास्क क्यों बना रहे हो? देख लो इसे। All set. Good job. Mm-hmm.
है भाई, आपके लिए फोन आया है। जरा रुको तुम। अरे क्या बात है। क्या भाई, कैसा लगा? मैं उसने तो हूबहू बना दिया। अरे वो तो कलाकार निकला। उस रविंदर से अब अपना कोई लेना देना नहीं रहा। अपने बंदों से कहो टपका दें उसको। उस सीएम को खत्म करके मुझे सीएम बनाने का जिम्मा तेरा है। हम मीटिंग में शामिल होकर पोजीशन देखकर कॉल करूंगा, तुम बिल्कुल रेडी रहना। ठीक है भाई। कुछ लोग पावर और पैसों के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं और कुछ लोग सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। और पता है, सीएम साहब ने मेरे लिए कहा कि तुम जनता की सेवा करने के लिए हो, उतना ही मेरे लिए काफी था।
चल रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अरे बाबा आप प्लान क्या बता? शहर में उसके छुपने की कोई जगह नहीं बची। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह निगरानी है। पूरी सिटी में रेड अलर्ट लगा हुआ है। हम 24 घंटों के अंदर अंदर उसे जरूर पकड़ लेंगे। अपने राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य की पुलिस। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो नीचे पड़ा है ना, ये मैं नहीं, मेरा बैरूपिया है। इसने मेरे जैसा मेकअप लगाया और फिर आदरणीय बलवंत जी का खेल खत्म कर दिया। लेकिन सबको क्या लगता है कि मैंने उनको मारा है। प्लान क्या था? मेरा गेम बजाने के बाद ये केस को रफा दफा कर देने वाले थे और इल्जाम आता मेरे ऊपर। ऐसी परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए, आई रिपीट सर, केवल आत्मरक्षा के लिए ही मैंने पलटवार कर दिया और बेचारे की जान चली गई। आखिर ये कौन है? कौन बोला? अरे मैडम आप तो बड़े ही स्मार्ट है, आप ही देख लीजिए। हेलो ब्रदर, कैमरा ऑन करियो थोड़ा। हाँ, जूम करना, जूम इन। ये तो होम मिनिस्टर का राइट हैंड देवराज। एग्जैक्टली। ये ड्रामा बंद करो। क्या ड्रामा? मैं कर रहा हूं। इस केस को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। ये सब करके तुम अब तक कई लोगों को मार चुके हो। सर मैंने कहा मारा? क्या सर कहा? साकेत नाम के मेकअप आर्टिस्ट की मदद से तुम ही ने ये सब किया है, मैं जानता हूँ। साकेत मतलब यही है ना सर? Let's get back to work. जब तक मैं जिंदा हूँ तो इसकी आड़ में मुझे यूं ही ब्लैकमेल करता रहेगा ना? नहीं साकेत। नहीं जानू, I'm going to end all of this right now. जाओ, ले जाओ इसे। मैं यहाँ कोई हत्याएं नहीं कर रहा हूँ बल्कि सजाएं दे रहा हूँ उनको। अगर मेरा मोटिव तुझे पहले ही पता चल जाता तो तुम उससे डरना बंद कर देता। तुझे लगता कि क्या बिगाड़ेगा ये हमारा, और तुम उससे डरना बंद कर देता, इसलिए तुझे नहीं बताया था मैंने। अरे जो भी हो, ले जाओ इसे, चल जा। ब्रदर, पहले उसे खत्म कर दें जो तुमने शुरू किया था। अपने मुन्ना ने अपने सोर्स से इन्फॉर्मेशन निकलवाई है कि बलवंत सीएम साहब को मारने का प्लान बना रहा है। तेरे टैलेंट का इस्तेमाल वो लोग इस खून को अंजाम देने के लिए करेंगे। बस ये आइडिया उनके दिमाग में डालना है और उसके बाद जो भी है वो मैं देख लूंगा। ये बात सच है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कब्जे में लेकर ये सब मुझसे करवाया गया था, लेकिन करवाने वाला ये नहीं है सर, बल्कि इस सब के पीछे ये देवराज था। मुझे किडनैप करके मेरे बॉयफ्रेंड को धमकाकर रवि जी जैसा मेकअप करवाने वाला भी यही था सर।
ये खुद अच्छे से प्रिपेयर हुआ और सबको प्रिपेयर करके लाया सर। ये तब का वीडियो है सर जब मैं इसका मेकअप रवि के जैसे कर रहा था, आप खुद ही देख लो। गेम ओवर। सेक्शन 100 क्लॉज सी, अपनी आत्मरक्षा के चक्कर में किया गया खून खून नहीं कहलाता है और इसकी सजा मुझे नहीं मिलेगी। Am I right, sir? शादी के लिए 10 दिन की लीव ली है मैंने। पर किसकी शादी की? क्या भूल गए? 14th को हम शादी करने वाले थे ना। ये क्या कह दिया मैंने? याद आ गया। हमारी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी है। पर बेबी 10 दिन की छुट्टी में क्या होगा? फिर हनीमून? अरे हनीमून पे कहीं जाने की क्या जरूरत है, वो तो हम कहीं भी है। वैसे हनीमून स्पॉट तो तुमने फिक्स कर लिया होगा ना, अब चल के पैकिंग करें। Lanka Pati Ravana, Ravana, Dasakanta Lanka Pati Ravana.